नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। देश में ही कोरोना के कारण लॉकडाउन है और इस बीच बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों को उनके गृह जिले तक वापस लाने की सरकार कोशिश कर रही है और लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आपको बता दें कि एक ऐसी ही ट्रेन सारण पहुंची है जिसमें कुल 1200 मजदूर गुजरात के सूरत से अपने गृह जिले तक पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इसमें 200 मजदूर छपरा के हैं जबकि 1000 मजदूर बिहार के दूसरे जिलों से इसमें आए हैं जिनको अपने गृह जिले प्रशासन ने बसों के द्वारा भेजा है। आपको बता दें कि जब मजदूर छपरा स्टेशन पर पहुंचे हैं और इसके बाद से यहां पर जो व्यवस्था की गई थी वो तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तमाम घेरेबंदी की गई थी, अर्थात एक डिस्टेंस पर गोले बनाए गए थे, उन गोलों में खड़ा होना था। और आप देखिए इन तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जो श्रमिक आए हैं उनके जो बैग्स हैं उनको भी सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। ये करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लोग बाहर से आ रहे हैं, एक दूसरे से हो सकता है कि संपर्क में आए हों या फिर जहाँ रह रहे हों वहाँ किसी के संपर्क में आए हों तो इनमें कोरोना के लक्षण मिल सकते हैं और इनके जो बैग्स हैं उनको भी सैनिटाइज करना ज़रूरी था, इसलिए प्रशासन ने उनके बैग्स को भी सैनिटाइज किया है और इसके बाद इनको अपने गृह जिले भेजा गया है। सरकार और प्रशासन ने ये साफ किया है कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको बिहार में उनके गृह जिले में ही क्वारंटाइन की अवधि पूरी करनी होगी और जब वो क्वारंटाइन की अवधि के बाद स्वस्थ रहेंगे तो उनको उनके घर भेजा जाएगा। इससे पहले वो अपने घर नहीं जा सकते हैं क्योंकि इससे संक्रमण फैलेगा। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार जो हैं वो श्रमिक ट्रेनें आ रही हैं। अगर आज की बात करें तो आज गया में भी एक श्रमिक ट्रेन आई, उसके अलावा छपरा में आई, तो तमाम जो ट्रेनें हैं वो आ रही हैं, उससे श्रमिक और छात्र अपने घर वापस आ रहे हैं। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखिए। नमस्कार।